जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश और एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर ने पाम पैराडाइज पुलिस चौकी का लोकार्पण किया। इसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर ने बताया कि जनपद में पाम पैराडाइज पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो लोग यहां रहेंगे उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए यह चौकी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने बताया कि लगातार प्रयास किया जा रहा है कि पुलिस पर जनता का विश्वास बना रहे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस से जुड़ सकें, जिससे वे थाने और चौकी पर जाकर अपनी समस्याएँ बता सकें। इसी उद्देश्य से इस चौकी का उद्घाटन किया गया है ताकि एक अपराध मुक्त माहौल बनाया जा सके। यह चौकी रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र की सीमा पर बनाई गई है, जिससे जो लोग यहां से आएंगे और जाएंगे पुलिस को उन सब पर नजर रहेगी। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, सीओ कैंट अंशिक वर्मा, थानाध्यक्ष रामगढ़ ताल इत्यादन पांडे, पाम पैराडाइज के चौकी प्रभारी बलराम पांडे, फलमंडी चौकी प्रभारी रामजी गुप्ता, उप निरीक्षक ओम प्रकाश बिन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना रामगढ़ ताल क्षेत्र में आज पाम पैराडाइज पुलिस चौकी के भवन का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। मुझे पूरी आशा ही नहीं विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो लोग यहाँ पर रहेंगे या फ्लैट्स लेकर के यहाँ पर रहेंगे और यहाँ से जो आवागमन लोगों का होगा उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये चौकी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि क्षेत्र में पुलिस का पब्लिक के साथ समन्वय कैसे बढ़ाया जाए, पब्लिक को कोई भी समस्या है तो बेझिझक होकर के वो पुलिस चौकी पुलिस थाने पर आकर के अपनी समस्या बताए, उसी के उपलक्ष्य में ये चौकी का उद्घाटन किया गया है। और भी अस्थाई चौकियां जो हैं वो स्थापित की जाई हैं और लगातार पब्लिक के साथ समन्वय बना के एक अच्छी कानून व्यवस्था और क्राइम फ्री एक समाज देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसका कार्यक्षेत्र कितना लंबा होगा? देखिए, थाना रामगढ़ ताल क्षेत्र में आप जानते हैं कि खोराबार और रामगढ़ ताल क्षेत्र की जो सीमा है वहीं पर ये चौकी बनाई गई है। यहाँ पर जो हमारा रामगढ़ ताल है उसका एरिया पड़ता है, पर्यटक भी आते हैं यहाँ पर, बगल में चिड़ियाघर है वहाँ भी पर्यटक आते हैं, इसके साथ साथ पब्लिक का मूवमेंट इस रोड से होता है। पीछे काफ़ी बड़ी सोसाइटी बन रही है जहाँ पर बताया जा रहा है कि 5,000 से भी ज़्यादा लोग आने वाले दिनों में रहेंगे, तो सबकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है।